द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब क्या है, प्रिज्म है, ठीक है, हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 10√3 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द प्रिज्म. ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रिज्म बोल रहा है. तो प्रिज्म हमारा कैसा है, बेस उसका बोल रहा है राइट, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं. ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है गया है, तो इसका जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको प्रिज्म के रूप में इसको करते हैं. ध्यान दे रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिज्म हो गया. ध्यान देना है, प्रिज्म में देखें तो इसको देखें तो ये हमारा बेस हो गया. ध्यान देना, ये हमारा क्या हो गया, बेस है, तो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है. अब ध्यान देना है, अब इसको देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि सबका सब क्या है, 10-10 का है, ये 10, ये 10, ये 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये भी 10 हो जाएगा हमारा, ये भी 10 और ये भी 10. और ऊपर से क्या बोला गया है इसका हाइट, तो हाइट ये वाला हो जाएगा हमारा, क्या जाएगा, 10√3. ये हो जाएगा हमारा 10√3 और ये भी हमारा क्या है, ये भी वैल्यू हमारा क्या जाएगा, 10√3. ये हमारा साइड पता चल गया. ठीक है, सारा साइड पता चल गया. तो निकालने क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है प्रिज्म का. ये हमारा प्रिज्म है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाले. तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग क्या होता है, ध्यान देना, किसी भी चीज का, ध्यान देना है, किसी भी चीज का हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं. जैसे काम था हमारा, मान लीजिए सिलेंडर है हमारा, टोटल सिलेंडर का हम लोग टोटल सर्फेस एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे कर्व सर्फेस एरिया निकालते हैं. ठीक है, अब प्लस क्या करते हैं, हमारा ऊपर का जो बेस और नीचे का एरिया का हम लोग ऐड करते हैं, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया करते हैं. वही ढंग से यहाँ भी करेंगे हम लोग, टोटल सर्फेस एरिया हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, जो हमारा नीचे का बेस था, बेस में क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ भी है और ऊपर भी रहेगा हमारा, टॉप पर भी, टॉप और बॉटम दोनों जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल. मतलब क्या जगह, दो हमारा क्या जगह, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, 2 × ट्रायंगल का एरिया कर देंगे. ठीक है, प्लस आगे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. तो लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारे लेटरल सरफेस एरिया होता है, जैसे ये हमारा क्या है, सिलेंडर है मान लीजिए, तो लेटरल सरफेस एरिया ये वाले होते हैं, ये वाले जो हमारे साइड होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, लेटरल सरफेस एरिया. जैसे ये हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, ठीक है, सिलेंडर हो गया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये हमारा होता है. ठीक है, ये वाले निकालते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, ऊपर वाला, ये टॉप हो गया हमारा. ठीक है, तो लेटरल सरफेस ये होता है हमारा. ठीक है, तो अगर जैसे ही बोला जाए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोले या लेटरल सरफेस एरिया बोले, तो यही होता है. अगर टोटल बोला जाएगा तो टोटल में ये कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या करेंगे, ऊपर और नीचे के ऐड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, ध्यान देना है. तो ये हमारा क्या था, नीचे का तो जोड़ दिए, अब ये हम लोग बगल वाला जोड़ेंगे, मतलब ये वाला जोड़ेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या देखा जाए तो हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा. क्यों बनेगा, एक 10 साइड है, एक 10√3 साइड है, क्या बन जाएगा, तो 3 को बनेगा, 1, 2, 3 पीछे बनेगा, तो क्या बन जाएगा, 3 को हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा. इसको ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो देखा जाए तो क्या हमारा, 2 को इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर. ए हमारा कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर 100, प्लस क्या हो जाएगा, 3 गुना क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ कितना है 10, अब ब्रेथ कितना है 10√3, इसको बस गुना कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. इसको करेंगे 25 बार में कटे जाएगा, क्या हो जाएगा, 50√3 प्लस क्या जाएगा, 300√3 जोड़ देंगे, क्या जाएगा, 350√3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है.